साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो सुखदेव जी ने नमन करियो और परीक्षित जी सुखदेव जी ने प्रणाम करियो और कहो गुरुदेव एक ही बात है, 7 दिन हमारे कने मुक्ति चाहिए, बोलो देवोला कि नहीं, हाँ या ना, यस नो कह दो, यस तो यस कार्रवाई शुरू करो, नो तो फिर नो, ताकि मैं मारे जाऊँ कटे दूजी जगह हो दूँ कोई मुक्ति रे वास्ते, मारो टाइम खराब नहीं हुए, बोलो ऐसे बीच में अटका के मत रखना मेरे को, हाँ या ना। तो जैसे ही परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी ने ना तो हाँ कहा ना ना कहा, सुखदेव जी ने कह के तो नहीं बताया पर करके जरूर बताया, अपनी मृगचर्मथी बगल में निकाली, उसको बिछाई, उस पर बैठ गए और आसीन होते ही परीक्षित के चेहरे पर मुस्कान छा गई, क्योंकि जो बुलाने पर भी किसी के घर जाते नहीं, जिनको कोई लोभ लालच प्रलोभन कुछ है नहीं, और वो सुखदेव जी बिना बुलाए मेरे सामने आए हैं, और जैसे ही मैंने कहा तो आसन बिछा करके आसीन हो गए हैं, इसका मतलब इनकी ओर से यश हो चुका है, इन्होंने हाँ भर दी। अब आदरणीय परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, अब कृपा करिए आप और मने बताओ, म्रियमाण पुरुष रो कई कर्तव्य, जिनी मृत्यु नजदीक है उन्हें कई करनो चाहिए, जल्दी मरने वाला व्यक्ति रे मुक्ति रो उपाय कई है। और सज्जनों सुखदेव जी अब अपनी वाणी सुनाने वाले हैं, अभी तक सुखदेव जी नहीं बोले हैं, अब सुखदेव जी बोलेंगे। भागवत जी रे प्रथम स्कंद में केवल परीक्षित जी रो प्रश्न है और परीक्षित जी रो प्रश्न सुनने सुखदेव जी बहुत खुश हो गया, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल करियो है सुखदेव जी ने परीक्षित जी। और अब दूसरो स्कंद शुरू हुए, भागवत जी रो पहलो स्कंदे अधिकार लीला, दूसरो स्कंदे साधन लीला, दूसरे स्कंद से सुखदेव जी बोलना शुरू करते हैं। और जो जो काम हुआ है वो बहुत तगड़ा हुआ है, समझने जैसा है भाई। कहा जाता है जिसको जिस शस्त्र से मारा गया है उसको उसी शस्त्र से वापस जवाब दे दिया जाए तो वो एक अच्छा योद्धा माना जाता है। और वक्ताओं में क्या होता है, वक्ताओं की भी यही पहचान होती है। मान लो 2-4 वक्ता बैठे हो, एक वक्ता ने बोलना शुरू किया और वो जिस सब्जेक्ट से बोला है और छोड़ा है वहीं पे, तो दूसरा जो वक्ता होता है ना वो भी उसी सब्जेक्ट से शुरू करे तो मानते हैं यार वक्ता तगड़ा है, पॉइंट से उठाई बात, यही होता है ना, मैच होना चाहिए। और परीक्षित जी के भी ऐसा ही हुआ है। परीक्षित जी को मारने के लिए पहला एक प्रयास किया गया था जो भगवान ने विफल किया, वो कौन सा प्रयास था, कल सुनी ना आपने कथा भाई, गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में, परीक्षित जी की मां उत्तरा, और उस वक्त तो परीक्षित जी गर्भ में थे, तो क्या छोड़ा था, शस्त्र अस्त्र। तो भगवान ने उसकी रक्षा कैसे की थी, वापस अस्त्र सही की थी, गदा घुमाई थी ना अंदर जाके और उसको प्रोटेक्शन दिया था, कवच बना दिया था कि भाई, तो अस्त्र से मारने की कोशिश हुई तो अस्त्र से ही बचाया पहला काम। फिर दूसरा, इस बार परीक्षित जी को मारने की कोशिश कैसे हुई है, वाणी से, ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने बोला ना मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन मर जाएगा, तो वाणी तो काम आई थी, तो वाणी से ही परीक्षित को मारने की कोशिश की गई, तो तारने की कोशिश भी सुखदेव की वाणी से हो रही है। अभी वाणी ही चाहिए क्योंकि शस्त्र भी वाणी का ही लगा, तो वाणी से ही बचाव होगा, इसलिए सुखदेव जी आए हैं। अब छोटे मोटे ऋषि की यहां काम पार पड़ेगी नहीं, इसलिए सुखदेव जी की वाणी से काम बनेगा। और अब आदरणीय सुखदेव स्वामी बोलना प्रारंभ किए हैं, दूसरा स्कंद भागवत जी का साधन लीला है और बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से श्री कृष्ण भगवान बोलना शुरू करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में तो भगवान कृष्ण बोलते ही नहीं, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन ये लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय से, और दूसरे अध्याय से भगवान बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण आदि सब दूसरे अध्याय में ही बताते हैं गीता के, जो 18 अध्याय की गीता है। लेकिन यहां भागवत है और भागवत में भी दूसरा स्कंद महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि वहां से सुखदेव जी बोलना शुरू करते हैं।
प्रथम स्कंद में सुखदेव जी नहीं बोले, दूसरे स्कंद में सुखदेव जी बोले और बहुत सुंदर बोले। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी की वाणी बड़ी जबरदस्त। सुखदेव जी बोले, श्री शुक उवाच, वरीयानेश ते प्रश्न, वरीयानेश ते प्रश्न, कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित सम्मतः पुंसाम्, श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव स्वामी कहो, परीक्षित तू जो को प्रश्न करियो मने बहुत बढ़िया लगे। और परीक्षित जी रो प्रश्न सुखदेव जी ने इतो बढ़िया लगे कि वेजित कथा शुरू करी तो मंगलाचरण स्तुति आदि सब करना भूल गए, सीधे ही कथा शुरू, डायरेक्ट कथा। वरना नियम होता है कथा का, वक्ता आएगा, मंत्र मंत्र बोलेगा, थोड़ा स्तुति पाठ करेगा, कीर्तन करेगा, उसके बाद कथा शुरू होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नियम नहीं रहा, सीधा ही कथा शुरू कर दी, क्योंकि प्रश्न इतना बढ़िया लगा कि मन ने कह दिया सीधा उत्तर दे दो। कोई कोई चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना, अपन खुशी में सारे औपचारिकताएं भूल जाते हैं। तो ऐसा ही सुखदेव जी के जीवन में हुआ और सुखदेव जी ने सीधी कथा शुरू कर दी और बोले, परीक्षित तूने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है, कमाल का सवाल है तेरा कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए। और ये तेरा प्रश्न नहीं है, ये तो सबका प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। सबको साथ ही दिन में जाना है, सबरी मौत नजदीक है, अगला ने हाथ दिन में ही जाना है। सात दिन वार कितना हो गया साहब, सात, सभी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, सात बार। और सात बार है तो दिन भी सात ही होया, आठ वो बार नहीं तो आठ वो दिन कठों लाओ। सात दिन में आदमी जन्मता है, सात दिन में आदमी जीता है, सात दिन में आदमी मर जाता है। सात दिन कोई भी आदमी इस दुनिया से जाए तो उसकी वो फोटो लगती है पीछे और फिर नीचे लिखते हैं स्वर्गीय फलान जी, उसमें उसकी जो डेट होती है जाने की वो लिखते हैं। तो डेट जो हो सो हो, महीना जो हो सो हो, साल जो हो सो हो, तिथि जो हो सो हो, लेकिन वार जो होगा वो तो सातों वारों में से कोई एक होगा, उसके लिए कोई स्पेशल वार थोड़ी होगा, इन्हीं में से जाना। लोग कहे वो तो ठीक है, पर परीक्षित जी ने सात दिन में अपने सात दिन में कोई फर्क है कहीं? बोले फर्क तो कहीं नहीं है, फर्क इतो ही जे परीक्षित जी ने ठा हो गया हमारो हाथ वो दिन है, रपो ने ठा को नहीं है अपनो हाथ वो दिन क्यों है, कोई ठा नहीं, भगवान ने बताया नहीं, और नहीं बताया तो बहुत अच्छा किया। अगर बता देता नहीं कि उन दिन जामणो है तो टेंशन में उन दिनों पहले ही जाबर होती, अरे उन दिन तो जानो है, लेकिन ईश्वर ने नहीं बताया। पर जाना तो है, ये तो तय है, किसी किसी की टिकट ओपन कर देता है, किसी की भगवान अपने पास रखता है, एंड टाइम पे देता है ये ले टिकट, लेकिन टिकट बनी हुई है ये पक्का है। तो लोग कह रहे परीक्षित जी सात दिन में भागवत सुनी तो वे मुक्त हो गया, पर मैं तो सात सात दिन की कोई कितनी भागवत सुन लिया जे अटे फिरा, मौनी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या ये भागवत दूसरी है? क्या ये असर नहीं करती? असर तो करती है, भागवत तो वही है, भागवत तो वही है, लेकिन फर्क यह है कि कहने वाले सुखदेव जी नहीं हैं और सुनने वाले परीक्षित जी नहीं हैं, बस यहां फर्क है। सुखदेव जी रिहोड नहीं हुए, सुखदेव जी तो सुखदेव, कोई भी वक्ता सुखदेव जी रिहोड कर सके? नहीं कर सके। और परीक्षित जी, परीक्षित बनो भी बहुत दो रोकों में हो सज्जनों, सुखदेव जी परमहंस थे, काम क्रोध लोभ को जीते हुए थे, अपन उनकी कहां बराबरी करेंगे, लेकिन परीक्षित बनना भी तो मुश्किल है। परीक्षित जी की कथा आप देखो, मान लो 9 बजे कथा शुरू होती है तो वहां सुखदेव जी ने 9 बजे कथा शुरू करी, 1 बजे कथा पहले दिन की पूरी करी और 1:01 पर दूसरे दिन की कथा शुरू भी कर दी, मतलब नॉन स्टॉप कथा चली थी, लगातार कथा सुनाई थी उन्होंने। और परीक्षित जी ने भी वो उठे नहीं, अपने कथा सुनते रहे,
और खाना पीना सब बंद कर दिया उन्होंने, एकदम कथा ही सुनी उन्होंने, भोजन वगैरह नहीं करते थे, ऐसे 7 दिन रात कथा सुनी उन्होंने, और बीच में दूसरा कुछ भी नहीं था, केवल कथा थी, ना कोई चुटकला, ना कोई किस्सा, ना कोई कहानी, ना कोई भजन, ना कुछ कुछ नहीं था, एकदम प्यार घी था वो, और वो परीक्षित जी ने पिया था और मुक्त हो गए थे। और अपने तो भाई वक्ता कथा करता है तो उसको सब देखना पड़ता है कि सामने कैसे बैठे हैं। अभी मैं अगर सारा ज्ञान ही ज्ञान सुनाना शुरू, और ये तो कथा ही ज्ञान की है, सुखदेव जी जब से बोलते हैं तब से तो ज्ञान ही ज्ञान है, तो ये तो पूरी कथा ज्ञान की है, वो सारा का सारा आपको पूरा प्योर सुनाना शुरू कर दूं और बीच में इधर उधर भजन कीर्तन सब निकाल दूं तो फिर तो आप सुन ही नहीं पाओगे। किताब तो बैठा रही, बैठा बैठा समाधि में जा पाई, ऐसा होता है, क्योंकि वो पचना नहीं होता है। सुखदेव जी ने जो सुनाया वो तो गजब का सुनाया था, उसको पचाने वाला भी तो चाहिए भाई। सुखदेव जी का तो आहार ऐसा, सुखदेव जी का तो शरीर भी ऐसा, सुखदेव जी का तो मन भी ऐसा, इसलिए तो इन्होंने वरी याने इस वकार से शुरू किया है। वकार क्या है? वकार ब्रह्म का बीजाक्षर है, और इसीलिए उन्होंने मुख से शब्द ही व निकाला, वरी याने पहला श्लोक उनके मुख से निकला और वो व से निकला, क्योंकि जैसा खाओगे डकार वैसी तो आएगी, है ना, तो जैसा भोजन होगा वैसा ही होगा। अब सुखदेव जी भोजन क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, दिन रात यही कथा में भगवान के भजन में और इसी में लगे रहते हैं, तो उनके मुख से जो निकलता है वो भी बहुत ऊंची श्रेणी की बात निकलती है, छोटी मोटी बात नहीं निकलती। इसलिए वरी याने इशते प्रश्न से तो शुरुआत किया सुखदेव जी ने। आप जो विद्वान लोग हैं उनको पता होगा ये वकार जो है ये ब्रह्म का बीजाक्षर माना जाता है, ज जो है वो दग्धाक्षर माना जाता है, इसलिए जन्मांदस्य भागवत की शुरुआत ज से होती है, गोपी गीत में भी जयति ते अधिकम से शुरुआत होती है, और यहाँ वकार से, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे उन्होंने भी व से शुरू किया, ये महापुरुषों की यही पहचान होती है, इसीलिए तो इन शास्त्रों की महिमा है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च गरतारो वंदे वाणी विनायकौ। व एक श्लोक में कितने व आए, वर्णानाम अर्थ, वंदे, वाणी, विनायको, व व वावी, कितने प्रकार से बोल दिया। इसलिए इन शास्त्रों को सुनते हैं तो हमको फल मिलता है, इसलिए उसकी महिमा होती है, क्योंकि ब्रह्म के बीजाक्षर से शुरू हुआ है। तो सुखदेव जी तो इतने महान कथा करने वाले, और सज्जनों परीक्षित जो हैं वो भी महान, इतना जबरदस्त सुनते हैं, और अपने अटे, अपने अटे तो भाई 9 बजे कथा शुरू हुए, अटे तो बड़े सब ठीक ठाक मामलो है, क्योंकि सबका रिजर्वेशन हो रखा है जावे किधर, तो सब आ जाते हैं टाइम पे। फिर भी 9:15-9:30 तक कथा शुरू होती है, और 12:30-1 हम कथा पूरी करते हैं, पहले ही करना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा भी चला नहीं सकते, बाप जी हमें गणा आगे हरिद्वार दर्शन करना है, अब कल सुना देना, अभी बस अब बैटरी इतनी चलेगी, तो पूरा भी करना पड़ता है भाई। मैंने 8-8 घंटे कथा की है सज्जनों, तो इस अनुपात में अगर देखो तो यहाँ तो हम क्या बोलेंगे 3-4 घंटे में, लेकिन 8-8 घंटे कथा हुई है। अब नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि सुनने वाले नहीं है, इतना लोगों के पास समय भी नहीं है, और उसमें भी 3-4 घंटे की कथा में कभी आलस आ जाता है, कभी प्रमाद आ जाता है, कभी नींद की कोई झपकी बीच में घेर लेती है, तो नेटवर्क आता है चला जाता है भाई। टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए मैं इस भाषा में बात, जो जिस भाषा में तुम समझते हो मैं उसी भाषा में बात करता हूँ। यूट्यूब चलाते हैं लेकिन नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, अभी टावर नहीं आ रहा, बराबर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो YouTube चलता तो है लेकिन रुक रुक के चलता है, बीच में वो गोल गोल चक्कर घूमता है, मतलब लोड हो रहा है अभी, है ना। तो कभी कभी अपने भी चक्कर घूमने लग जाता है, कभी प्यास लग जाती है, तो सर्दी है, अभी ठीक ठीक है थोड़ा मामला,
गर्मी में तो बहुत हालत खराब होती है, और ये समय भी ठीक लिया आपने, सुबह 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 थोड़ा ठीक रहता है, आलस भी कम आता है ना, धो के आते हो। बाकी कई कई जगह तो बड़ी हालत खराब होती है, किसी को नींद, किसी को पानी, पानी वानी पीने के लिए उठते हैं, फिर आएंगे 15-20 मिनट में घूम घाम के पानी पी के बैठेंगे, पानी पीते हैं 20-25 मिनट होता है फिर उठते हैं, क्योंकि पानी पिया है तो उठना तो पड़ेगा, तो फिर जाएंगे फिर आएंगे, ऐसे कथा सुनते हैं। और यूं कथा उन्होंने बच गई, क्या वे अब मैं अपने कोई विमान भी जो आवे कठुई आवे तो देखा, यूं आई विमान। तो परीक्षित बनना पड़ेगा, अगर उसकी तरह से कथा को सुना जाए दिल से सज्जनों, तो निश्चित रूप से ये कथा आज भी फल देती है, मोक्षदायिनी है तो मोक्ष देवी निश्चित रूप से। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, मुक्ति चाहते हो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, थारे हाथ दिन गणा ही हो, कम नहीं है थारे हाथ दिन, राजा खटवांग ने कट मिलिया हाथ दिन, एक घड़ी में उसने भगवान को पा लिया था, लेकिन थने 7 दिन मिलिया है, तो 7 दिन में करनो कही है वो सुन लो, क्या करना है। आदमी का जीवन यूं ही व्यर्थ बर्बाद हो रहा है, बेकार में आदमी का जीवन जा रहा है, निद्रया ह्रियते नक्तम जवायेन जवाय च दिवाचारथे हया राजन कुटुंब भरने नवा। ये सुखदेव जी कह रहे कि राजा एडो दिन लोगारो जा रही हो, कैडो बोले निद्रिया ह्रियते नक्तम, या तो आदमी का समय नींद में चला जाता है, सोचो आप 100 साल की आदमी की अगर जिंदगी है और उसमें अगर हम दिन और रात का हिसाब लगाएं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और रात में आदमी सोता है तो 50 साल सोते निकल गए कि नहीं, निकले कि नहीं, हिसाब लगाओगे तो यही निकलेगा, 50 साल तो अपने सोते निकल गए, ऐसे ही गया आधा जीवन तो नींद में निकल गया। फिर दूसरा बोले दूसरा समय स्त्री ने ले लिया, आदमी है शादी करेगा अपनी स्त्री के साथ में रहेगा, समय बिताएगा, परिवार का भी देखेगा, तो फिर नई नई शादी होती तब तो आधा समय स्त्री के संग में ही निकल जाता है, क्योंकि मैं चाबी तो उसके हाथ में रहती है, फिर वो जैसे कहती है वैसा ही करना पड़ता है। बाहर आदमी शेर बन के घूमता है लेकिन घर में तो उसका गुलाम है, ना चैनर मरकट की नाई, तुलसीदास जी ने लिखा है, आदमी स्त्री के इशारे पर ही नाचता है। बेटे ने मां से पूछा, मां तूने सर्कस में काम किया है क्या? मां गया सर्कस की बात करता है, मैं सर्कस में काम करने वाली दिखती तेरे को, ऐसा कैसे बोलता है तू, मैं सर्कस में काम नहीं किया मैंने, तू क्यों बोलता है ऐसा, ये प्रश्न तेरे दिमाग में आया कैसे, बच्चे को ये कैसे आया? तो वो उसका बेटा बोला, माँ मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि पड़ोस की आंटी कल बोल रही थी कि अब ये बबलू की मम्मी बबलू के पापा को अंगुली पे नचाती है। तो मैंने सोचा सर्कस में काम किया होगा तभी नचाती होगी, ऐसे कैसे नचाती है? स्त्री कहती है बैठ जाइए, बैठ गए, सो जाइए, सो गए, फिर उठ जाइए, उठ गए, अब फिर बैठ जाइए, बैठ गए, खड़े हो जाइए, खड़े, चल दीजिए, चल दीजिए, रुक जाइए, रुक गए, सब ऐसा ही चलता है। इसलिए वो जीवन भी गया, फिर थोड़ा समझ आई और स्त्री का नशा उतरा, तब तक परिवार की जिम्मेदारी आ गई, अरे भाई अब धंधा करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, अब तो बच्चे हो गए हैं, उनकी भी शादी लायक हो गए हैं, तो इनको भी देखना पड़ता है, सब करना पड़ता है, उसमें भी चला जाता है, तो धन कमाने में आदमी की आधी जिंदगी उसमें चली जाती है, तब तक आ जाता है बुढ़ापा, फिर कुछ करने जैसा नहीं बचता, क्या करेगा फिर बुढ़ापे में आदमी। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, बस कुटुंब के भरण पोषण में आदमी का समय पूरा हो जाता है। और सबको पता है कि जिससे मैं रिश्ता बना रहा हूं वो स्त्री, वो पुत्र, वो पुत्री, वो बच्चे, वो जो भी हैं, वो सब झूठे रिश्ते हैं, आखिर इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा।
कोई साथ तो लेके जाएगा नहीं। अभी जो स्त्री चरण दबा रही है वो ऊपर थोड़ी चलेगी साथ में दबाने, फिर तो अकेले ही जाओ साथ। तो कोई साथ में जाने को तैयार नहीं होता। किसको अपना कहें, कौन है अपना, किससे रिश्ता बनाएं? ये रिश्ते किश्ते में चलते हैं और रिश्ते रिश्ते जाते हैं, ऐसा मामला है। किस्ते भरो, रिश्ते निभाओ। जो लोग कहते हैं मेरी पत्नी तो, मेरी पत्नी बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम देती है, बहुत सब ध्यान रखती है मेरा, अरे कभी वो डिमांड करे दो चार महीने उसकी डिमांड को टालते रहो, फिर पता चलेगा, फिर उसका स्वभाव देखो, कोई प्रेम नहीं करता यार, न बच्चे अपने हैं, न कौन है जी अपना। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कश्यके पति पत्राद्या मोए वैकारण। आप सोचना कभी घर में सब सब लोग सो जावें तब आप अकेले अब हैं और शांति है। शांति का क्या मतलब? घर में शांति का मतलब ये कि जब घर में लाइट बंद हो गई है, सब लोग सो गए हैं, केवल दो ही प्रकार की आवाज आए, या तो आपके घर के दीवार पे टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे, या फिर जो सो रहे हैं उनके श्वास की आवाज सुनाई दे, बस तब समझना कि अब घर में एकदम शांति है। और तब अपने आप से जगकर प्रश्न करना और पूछना, मैं कौन हूं? पहला सवाल ये, हु एम आई? और जब ये पूछोगे कि मैं कौन हूं तो उत्तर निकलेगा अंदर से। आप कहोगे मैं आंखें हूं, फिर बन गएगा आंखें, मैं आंखें, आंखें तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर आंखें हूं तो बुढ़ापे में आंखें तो कमजोर हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तो अगर मैं आंखें हूं तो मेरे हाथ में रहना चाहिए था सारा वॉल्यूम वगैरह कि हाँ कब दिखना है कब नहीं दिखना है सब, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ वो दिख नहीं रही है, तो आंखों ने जवाब दे दिया, इसका मतलब आंखें मेरी नहीं है, वो तो साथ छोड़ के चली गई। तो फिर मैं क्या हाथ हूं? ना जी, हाथ में कैसे हूं मैं? अगर हाथ होता तो हाथों को काम करते रहना चाहिए था, लेकिन बुढ़ापे में तो हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं, और लकवा मार गया तो फिर बिल्कुल गए काम से, कुछ भी ना कर सकोगे, लेकिन ये सब हो जाता है, तो हाथ भी धोखा दे जाते हैं। पैर में पैर भी नहीं हो, पैर भी चलना बंद कर देते। अच्छा मैं क्या हूं ये बाद में सोचूंगा, पहले ये सोचूं कि मेरे कौन है, क्योंकि मैंने तो सबका भरण पोषण किया है, पैसा कमा कमा के दिया है, सबको खिलाया, सबकी व्यवस्था की, बच्चों को पढ़ाया, उनके लिए फीस भरी है, क्या क्या नहीं किया, स्कूटी मांगी बच्ची ने तो स्कूटी ला के दी, बेटे ने कार मांगी तो कार ला के दी, शादी की, ये किया वो किया, मेरे कौन है वो भी तो देखूं, जरा लिस्ट बनाऊं। तो सज्जनों पता चलता है आदमी सोचता मेरे कौन है, माता पिता मेरे हैं क्या? नहीं, क्योंकि माता पिता मेरे होते तो मरने के बाद में कोई सूचना आई बेटा हम सुखी है कि दुखी है, कोई फोन आया बेटा हम स्वर्ग में है कि नरक में है, कोई समाचार नहीं आया। इसका मतलब माता पिता मेरे नहीं है, वो तो थे, रिश्ता था ठीक है, लेकिन वो चले गए। अच्छा पत्नी मेरी है, पत्नी मेरी है, पर पति मर जाता है तो वो रोती रहती है और शमशान तक भी कहाँ जाती है, घर की दहलीज तक खड़ी रहती है, रोती रह जाती है, लोग उसको ले जाते हैं उसके पति को शमशान में जला के आ जाते हैं, वो रोती रह जाती है, जीवन साथी आज चला गया, बस इतना ही होता है। तो पत्नी भी मेरी नहीं, साथ जाने को तैयार होनी चाहिए, अगर मेरी होती तो वो तो साथ जाने को तैयार नहीं है, अब वो मेरी नहीं, तो बच्चे तो मेरे होंगे, अरे बोले बच्चे कहाँ मेरे, जन्म से पहले कोई सूचना आई कि हम आ रहे हैं, सावधान, व्यवस्था रखना हमारी, नहीं 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 वो भी मेरे नहीं। तो कौन है इस दुनिया में जिसे मैं मेरा अपना कहूं? मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई है तो वो ईश्वर मेरा है, जो पहले भी मेरा था अब भी मेरा है और आगे भी साथ वही देगा, तो वही मेरा, बाकी तो बस ठीक है, समय समय के साथ ही है। आदमी ने ज्ञान देव नो कौम नहीं है, आदमी ने ठा तो हैंगे कि मारा कोई कोई, क्योंकि वो कितनों को मरते देखता है, ये भागवत में लिखा है, वो कितनों को मरते देखता है, अखबार में पढ़ता है, शोक संदेश की लिस्ट पढ़ता है, ये निपट गए आज, ये भी निपट गए, ये भी गए, ये भी गए, सब जाते हैं। और किसी किसी को तो आदमी खुद ही लकड़ी दे के आता है,
खुद तक, तो सज्जनों फिर कौन है अपना? फिर भी आदमी सचेत नहीं होता है कि भैया ऐसे सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। पर आदमी ऐसा ही है, वो जब किसी को मरते देखता है तब तक तो उसके मन में थोड़ा भाव आता है, विराग आता है, हाँ हाँ बात तो सही है यार, सबको जाना, वो चला गया तो अपने को भी जाना, अपना गया भरोसा, अपना अपन भी जा सकते हैं। तो शमशान में जब जाते हैं उसकी क्रिया करने के लिए, तब बड़ा मन में ज्ञान हो, वो क्या वैराग्य होता है, उसको बोलते हैं शमशान का वैराग्य। अपने मारवाड़ी में कहते हैं मसाणियो वैराग, मसाणियो वैराग मतलब मसाण तक सीमित रहे। तो मसाण में वो आदमी पटे जल रही हो और वैराग आवे, पर वो वैराग थोड़ी देर ही रहे, पहले तो एकदम आएगा अरे भाई ये चला गया तो अपने को भी जाना है, आज से बिल्कुल धंधा बंदा ईमानदारी से करेंगे, आज से भगवान का नाम लेंगे, आज से गड़बड़ घोटाला बंद, ईश्वर के वहां जाना है, जवाब देना है, गीता जी का एक पाठ रोज करेंगे अध्याय का, और एक अध्याय का पाठ किए बिना तो मुख में कुछ लेंगे ही नहीं, चाय भी नहीं पियेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, मंदिर तो जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए भैया आगे जाना है, जवाब देना है, ऐसा मन में वैराग्य आता है। वो वर्ड ने मुर्दू बोल रही हो, अरड़ ने बैराग आ रही हो, लेकिन वटे वो मुर्दो बढ़न लागे, थोड़ी सी देर होवे अरड़ ने पाचा घर रही और रवाना हुए कि धीरे 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 बैराग भी रवाना होना शुरू हुए, वो भी क्या बेटा जाओ। अरे शमशान में लोगों को थोड़ी देर रहता है, फिर देखो आप आपस में लोग बातें करते हैं, वो देखो आप, एक आदमी दूसरे के कंधे पे हाथ धरते बोला क्यों जी क्या हुआ साहब कैसे गया? बोले साहब क्या बताए, कल तो बैठे थे शाम को, बात हो रही थी हमारे साथ में, और फिर क्रिकेट मैच चल रहा था, तो बोले यार मैच का बड़ा शौकीन आदमी था, तो मैच देखा, हम भी साथ में बैठे, खाना वाना भी साथ में ही खाया, और फिर रात का समय हो गया, मैंने कहा चलते हैं, चलो जी कल मिलते हैं, कल अपने काम भी है थोड़ा, ऑफिस में मीटिंग में आना, तो बोले हाँ ठीक है कल आते हैं, और मैं तो निकला, सवेरे जब उठा तो फोन आ गए, चले गए, क्या बताएं। तो दूसरा उसके कंधे पे हाथ धर के बोला अजी साहब अपने को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। इतने में एक आया, एक वो अलग ही आया, वो व्यापार करते करते आया था, तो वो बोला अरे यार ये गया सो गया, लेकिन छुट्टी के दिन नहीं जा सकता था क्या, वर्किंग डे में चला गया, मेरा तो काम पड़ा है। जैसे ही दुकान खोली थी उधर 10 ग्राहक लाइन में लगे थे और मेरे फोन आ गया कि वो तो चले गए, फिर मेरे को तो दुकानों का छोड़ के इधर आना पड़ा, उधर ग्राहक खड़े हैं और हम यहां पड़े हैं। एक बोला मैं लाइट का बिल जमा कराने निकला था, इधर बीच रास्ते में फोन आया कि इधर आना पड़ेगा, ऐसी ऐसी घटना घट गई अचानक से, तो वो बिल विल तो छोड़ के मैं तो इधर आया, अभी बिल का तो डेट आज लास्ट था, वो निकल गया, मैं तो इधर आ गया, और फिर अब एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो इसका बाप देने आएगा, अब क्या बताएं साहब। एक बोला यार मेरे साथ तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बोले क्या हो गई? बोले गड़बड़ी हो गई कि मेरा तो मकान बन रहा है, नया नया मकान बन रहा है, मुश्किल से जैसे तैसे जिंदगी में एक बार मकान बनता है, बंगला सोचा आलीशान बनाए, तो मजदूर मजदूर सब बुलाए, वो मजदूर वहां खड़े हैं और हम यहाँ पे हैं, और वो कौन काम देखेगा उधर, पता नहीं वो कैसा मसाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो मसाले का मालूम नहीं, ये इधर मसाला लगाएगा। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।